दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को करवा चौथ की सरल व संपूर्ण व्रत कथा इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएँ। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हुई बैठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में उसे रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो बहन। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बहुत बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने फिर ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह कहने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती हैं। यह भाभी उसे बताती हैं कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक तुम्हारे पति जिंदा ना हो जाए, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है, करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने की नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसा ही सभी सुहागिनों को
वरदान मिले। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।